नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक उठापटक अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो दूसरी तरफ एनसीपी के नेता अजित पवार ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। लेकिन एनसीपी नेता अजित पवार की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या अभी भी वो वैधानिक रूप से एनसीपी विधायक दल के नेता है? यही एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसके इर्द गिर्द भाजपा और एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की राजनीति घूम रही है। अगर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं किया तो पूरे मामले में स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। फिर राज्य में सरकार गठन का सवाल लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के आसपास घूमता रहेगा। दरअसल अजित पवार की कथित बयान के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार शनिवार को अजित की जगह नए विधायक को विधायक दल का नेता बना दिया। हालांकि अजित पवार ने राज्यपाल के समक्ष उस समय पार्टी विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा जब वह खुद विधायक दल के नेता थे। ऐसे में सवाल यह है कि भावी स्पीकर शपथ से पहले की स्थिति के आधार पर अजित पवार को विधायक दल का नेता मानेंगे या फिर शनिवार को एनसीपी द्वारा इस पद के लिए नए नेता को चयन किया गया है उसको मानेंगे। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि अजित पवार को विधायक दल का नेता माना जाता है तो शक्ति परीक्षण के दौरान उन्हें ही व्हिप जारी करने का अधिकार होगा। ऐसे में अजित जिसके पक्ष में मतदान करने का निर्देश विधायकों को जारी करेंगे उसे एनसीपी विधायकों द्वारा नहीं मानने पर इसे व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में सियासी बाजी अजित के हाथों में होगी जो भाजपा के मुफीद है। बहरहाल एनसीपी का कहना है कि चूंकि पार्टी के नए सिरे से विधायक दल का नेता चुना है इसकी सूचना राज्यपाल को दे दी है, ऐसे में अजित को विधायक दल का नेता मानना असंवैधानिक होगा। जबकि भाजपा खेमे का कहना है कि चूंकि सरकार गठन के दौरान अजित की विधायक दल का नेता थे इसीलिए इसमें अचानक बदलाव को स्वीकार करना असंवैधानिक होगा। इस मामले में सबसे अधिक दिलचस्प पहलू यह है कि तमाम खटास के बावजूद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है। वह भी तब जब मानते हैं कि अजित पवार ने पार्टी से बगावत कर भाजपा का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरे मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी करने से भाजपा खुश है। पार्टी का कहना है कि शीर्ष अदालत ने अजित पवार को भी एक पक्ष के तौर पर नोटिस भेजा है जिसका अर्थ यह है कि शीर्ष अदालत ने उन्हें भी विधायक दल का नेता मानती है। हालांकि इस पर स्थिति सोमवार को यानी आज सुनवाई के दौरान स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यह भी तय है कि अगर अजित पवार को विधायक दल का नेता माना गया तो सियासी बाजी भाजपा के हाथ में आ जाएगी। वैसे भी अजित ने पीएम सहित कई मंत्रियों को ट्वीट कर स्थिर सरकार देने का वादा किया है। इससे पता चलता है कि भाजपा ने इस स्थिति पर पहले ही विमर्श विचार कर लिया था। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट के फैसले के बाद पार्टियां आगे का निर्णय लेंगी। तब तक शिवसेना समेत अन्य दलों के विधायक भी होटल में मौजूद रहेंगे। रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की दलीलों को सुनने के बाद महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था और कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। इन्हें देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट आज 1.5 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट पर कोई आदेश दे सकता है। दरअसल 12 बजे जस्टिस रमन की अध्यक्षता वाली दूसरी पीठ को जम्मू कश्मीर में जारी पाबंदियों पर सुनवाई करनी है, यानी सोमवार को 1.5 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र मसले पर जल्द ही फ्लोर टेस्ट की मांग पर आदेश आ सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को अहम सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीएम और डिप्टी सीएम को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गवर्नर, सीएम और डिप्टी सीएम को राज्यपाल को सौंपे गए दस्तावेज आज कोर्ट में पेश करने को कहा था। इस पर तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि राज्यपाल को सौंपी गई चिट्ठी में अजित पवार ने खुद को एनसीपी का विधायक दल का नेता बताया है और 54 विधायकों का समर्थन के साथ देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने की बात कही है। इस चिट्ठी के साथ एनसीपी के 54 विधायकों का हस्ताक्षर भी है। तुषार मेहता ने राज्यपाल की ओर से देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने का न्योता देने की चिट्ठी भी शीर्ष अदालत में पेश की है। इन दोनों चिट्ठियों की मांग सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में की गई थी। फिलहाल महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट की क्या फैसला आती है महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर यह देखना लाजमी होगा। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर आप क्या सोचते हैं और इसे कैसे देखते हैं हमें अपने राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। और जो दर्शक एचसीएन न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।